हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, जल संसाधन देख चुके थे मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में। अब बात करेंगे हम लोग सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। याद रखिए, जितने भी आपके चैप्टर खत्म हो चुके हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट होती है उसी में पड़े हुए हैं। तो सिंचाई परियोजना राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया था। सबसे पहली जो नहर थी आपकी 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था। 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया था। 1936 में बालाघाट जिले में मोरम नाला का निर्माण किया गया था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। राज्य की जो दस प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81,500 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता है, जिसमें से लगभग 56,800 मिलियन घन मीटर जल विदेश को आवंटित है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7% है। वर्ष 2014-15 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपका था 9,584 हेक्टर, जो घटकर 2015-16 में 9,284.5 हज़ार हेक्टर हो गया। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 3.12% की कमी रही है। वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई 66.76% कुएं एवं नलकूप से, उसके पश्चात नहरों तालाबों से सिंचाई का 20.95% तथा अन्य स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 12.29%। जल संसाधन विभाग द्वारा बेहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-17 में अद्यतन लगभग 28.697 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2014-15 में 10,300 हेक्टर है। वर्ष 2015-16 में 10,029 हेक्टर रहा। सर्वाधिक सिंचित जिले हैं, याद रखना इन पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कई बार। सर्वाधिक सिंचित जिले हैं दतिया 66.46%, फिर उसके बाद सीहोर है आपका, फिर है मुरैना, फिर है ग्वालियर। न्यूनतम सिंचित जिलों की बात करें तो डिंडोरी 0.58%, फिर है मंडला, फिर है अनूपपुर। कुल कृषि रकबे का सिंचित प्रतिशत है 31.28%। कुल बोया गया क्षेत्रफल 2014-15 में 23,913 हेक्टर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 15,454 हेक्टर। कुल सिंचित रकबा 8,965 हेक्टर। शुद्ध सिंचित रकबा 9,584 हेक्टर। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है उत्तरी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कुआ सिंचित क्षेत्र है मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है आपका दतिया। सर्वाधिक तालाब सिंचित जिला है पूर्वी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो चंबल घाटी उत्तरी मध्य प्रदेश क्षेत्र, इसमें ग्वालियर, मुरैना और दतिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र से टीकमगढ़, नर्मदा घाटी क्षेत्र से आपका होशंगाबाद। राज्य के नदी बेसिनों में 81.5 अरब घन मीटर जल है। राज्य में शुद्ध भूमिगत जल की उपलब्धता 35.03 अरब घन मीटर है। सबसे कम भूजल भंडारण बुरहानपुर जिले में तथा सबसे अधिक संभावित भूमिगत जल होशंगाबाद जिले में है। ठीक,
राज्य में शुद्ध सतही जल की मात्रा 56.80 अरब घन मीटर है। राज्य में प्रति वर्ष उपलब्ध सभी प्रकार के जल की मात्रा 91.80 अरब घन मीटर है। अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में है, अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में है। ठीक, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है आपका दतिया जिला, सबसे कम है डिंडोरी जिला। ठीक, पश्चिम मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं। राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 45.7% भाग पर सिंचाई होती है। विद्युत पंप का सर्वाधिक प्रयोग आपका मालवा एवं निवाड़ के मैदानों में क्षेत्रों में होता है। भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर है मंडला में और अधिकतम है आपका रतलाम में। ठीक है, राज्य में अत्यधिक भूमि जल का दोहन इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम जिलों में होता है। इस कारण इन पंचायत जिलों को काला जिला कहा जाता है। डीजल पंपों का प्रयोग मुख्य रूप से चंबल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तवा परियोजना के द्वारा होता है। अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों में की जाती है। तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट एवं सिवनी जिले में की जाती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, कुओं द्वारा सिंचाई होती है पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक। ठीक, पवन चक्की से सर्वाधिक आपकी सिंचाई इंदौर जिले में होती है। चंबल घाटी, बालाघाट, बुंदेलखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं आपकी। माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, माता टीला बांध को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों को समुचित एवं समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। ये आंकड़े आते रहते हैं, याद रखिए। अभी जो नए आए होंगे 2019-20 में उन्हें देख लीजिए। ठीक है, हमने भी बात की थी मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स वाले लेक्चरों में। ठीक है, उनमें जाकर देख लें। बात करेंगे हम लोग विवाद समाधान के लिए गठित समितियों के बारे में, ये आपसे पूछी जाती हैं। खोसला कमेटी 1964 में, नर्मदा जल विवाद निराधिकरण 1969 में, सिफुद्दीन सोज समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित, सुंगली समतु समिति विस्थापन की समस्या हेतु। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। इसका प्रारंभ 1954 में हुआ, जो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर में 115 मेगावाट, फिर है आपका राणा सागर चित्तौड़ के रावणभाटा में, फिर है जवाहर सागर कोटा बैराज। ठीक है, तो याद रखना गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर चंबल पर है। इस परियोजना का प्रथम चरण 11 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य था। इस परियोजना का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 386 मेगावाट। फिर है आपकी वाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वाण सागर परियोजना कहाँ कहाँ की है? मध्य प्रदेश, फिर है बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, तीनों की संयुक्त परियोजना है। जोसन नदी पर निर्मित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 435 मेगावाट। यह परियोजना 1979 से प्रारंभ की गई तथा शहडोल के
देवलोक के पास बांध निर्मित है। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है 286,689 हेक्टर। फिर है आपकी नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा उसकी सहायक नदियों पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया था। इस परियोजना में 29 बेहद, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी बांध, पुनासा खंडवा तथा सरदार सरोवर गुजरात के नौगांव में स्थित है। इस परियोजना की कुल विद्युत लागत है उत्पादन 3000 मेगावाट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोघला गांव एवं हरदा के खरदना गांव में नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा गांधी सागर बांध एवं ओकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों द्वारा 26 जुलाई 2012 से 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह शुरू हुआ था यहाँ। फिर है आपका राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना के बारे में याद रखना है, बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है 1972 में। राजघाट परियोजना को माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर है आपका मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना। ये हरदा खंडवा होशंगाबाद जिले हेतु प्रस्तावित है। परियोजना में सिवनी मालवा तहसील के ग्राम मोरघाट के पास मोरंड नदी तथा हरदा जिले की रहट गांव तहसील के ग्राम जवर्धा के पास गंजाल नदी पर बांध बनेगा। इस परियोजना में पूरे कमांड क्षेत्र में भूमिगत नदी प्रणाली से सिंचाई सुविधा मिलेगी। अन्य परियोजनाओं में आपकी में शामिल हैं चोरल नदी। कौन सी? चोरल नदी परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। फिर है कैन बेतवा लिंक परियोजना। मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। कैन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश की 4.90 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 72 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होगा इससे। फिर है आपकी कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 25 अगस्त 2005 को मंजूरी मिल गई थी इसकी। कैन नदी का कैचमेंट एरिया 28,058 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 24,472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा शेष उत्तर प्रदेश में आता है। नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना नवंबर 2012 से प्रारंभ की गई। इस परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हो गई। फिर है जल अभिषेक अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल 2006 से। जल आवर्धन योजना का शिलान्यास धार जिले की दिलावारा जिले क्षेत्र में किया गया। फिर है नर्मदा जल योजना का केंद्र सरकार के सहयोग से होशंगाबाद के पिपरिया में शिलान्यास किया गया इसका। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, एक सारणी के रूप में ये परियोजना है आपकी। पहले भी बात कर चुके हैं कुछ के बारे में, कुछ नई होंगी उन्हें देख लें। आपकी चंबल है 1954 में, निर्माण 3 चरणों में, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, ये सभी हैं इसका। चंबल नदी पर है, इससे लाभान्वित जिले हैं श्योपुर, भिंड, मुरैना, मंदसौर, ग्वालियर। यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह देश की दूसरी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर आपकी नर्मदा घाटी परियोजना, इस पर 1984 में सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और महेश्वर एवं ओंकारेश्वर बांध, इस पर नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियों पर लाभान्वित जिले हैं। नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले व गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान भी इससे लाभान्वित होते हैं। 3000 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन, 27.5 लाख हेक्टर सिंचाई, इंदिरा सागर 1.23 लाख हेक्टर क्षेत्र, ओकारेश्वर बांध से 2.14 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचाई हुए। फिर है बरगी परियोजना, ईरानी अवंतीबाई सागर परियोजना है, नर्मदा नदी पर है, इससे लाभान्वित होते हैं जबलपुर व आपका मंडला सिवनी। इसकी 1.50 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता है।
ठीक है, यह प्यारा मूवी थी 1971 में। फिर बरगी परि अपवर्तन, ये नर्मदा बरगी नगर में, जबलपुर कटनी रीवा सतना इससे लाभान्वित होते हैं। 2.45 लाख हेक्टर सिंचाई भूमि इसकी क्षमता है। फिर है आपकी ये जोगट, चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसका नाम है, हथनी नदी पर है, अलीराजपुर से लाभान्वित होता है। 9848 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। अपर बेदा, ये बेदा नदी पर है, खरगोन में, खरगोन इससे लाभान्वित होता है। 523 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से लाभान्वित होता है। फिर सीतारेखा, ये सीतारेखा नदी पर है, छिदवाड़ा और धार इससे लाभान्वित होता है। 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। फिर तावा परियोजना, ये तावा नदी पर है, इससे होशंगाबाद लाभान्वित होता है। 3.33 लाख हेक्टर सिंचाई और 20,000 किलो वाट विद्युत उत्पादन होता है इससे। हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर, ये हलाली नदी पर है, विदिशा और रायसेन इससे लाभान्वित होते हैं। इसका निर्माण हुआ 1973 क्षेत्र में। सिंचाई क्षमता वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टर है। ठीक है, फिर है आपकी बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है, रीवा और सीधी इससे लाभान्वित होते हैं। 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 1.53 लाख हेक्टर सिंचाई 1978 से प्रारंभ है। माता टीला बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश के 6 उत्तर प्रदेश के 4 जिले से लाभान्वित हैं। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचाई होगी उत्तर प्रदेश का। ठीक, फिर पैंच परियोजना, ये पैंच नदी पर है, बालाघाट और छिंदवाड़ा इससे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना है, 6,63,338 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होगी इससे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र का नागपुर, ठीक है, इससे लाभान्वित होंगी। फिर आपकी बाघ परियोजना है, यह बाघ नदी पर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इससे लाभान्वित होंगे। सिरपुर गांव में बांध बनाया गया व महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में इसकी सिंचाई होगी। फिर है बावनथड़ी राजीव सागर, ये बावनथड़ी नदी पर है, बालाघाट मध्य प्रदेश, भंडारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 18,615 हेक्टर व महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टर में सिंचाई होगी 1978 से प्रारंभ। काली सागर, एक बाघ नदी पर है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होते हैं। बाघ की पूरक परियोजना है, केन बहुउद्देशीय ग्रेटर गंगऊ, एक केन नदी पर है, छतरपुर और पन्ना इससे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की परियोजना है। फिर अपर नर्मदा, ये नर्मदा नदी पर है, डिंडोरी इससे लाभान्वित होता है। 18,616 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है इससे। लोअर गोई, ये गोई नदी पर है, बड़वानी में, 13,760 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। हालोन, ये हालोन नदी पर है, मंडला में, 11,736 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। फिर पुनासा, इंदिरा सागर नर्मदा, खंडवा में है, खंडवा लाभान्वित होता है, 35,008 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई इसकी। फिर मान नदी पर है, मनावर धार है, 15,000 हेक्टर सिंचाई 2006 से प्रारंभ हुई। उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर है, छतरपुर से लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में इसका 60:40 में बंटवारा है। फिर है आपका सिंहपुर बैराज, ये उर्मिल नदी पर है, इससे आपका छतरपुर लाभान्वित होता है, उर्मिल परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। फिर बारना नदी पर है, रायसेन सेहोर इससे लाभान्वित होते हैं। 60,290 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। भांडे नहर बेतवा नदी पर है, दतिया ग्वालियर भिंड से लाभान्वित होते हैं। 44,535 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। अपर बैनगंगा संजय सरोवर योजना, बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट और आपका सिवनी इससे लाभान्वित होता है। वार्षिक सिंचाई क्षमता इसकी 1,03,722 हेक्टर
1972 से प्रारंभ हुई। फिर थावर परियोजना, थावर नदी पर मंडला से लाभान्वित होता है। 18212 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, 1977 से प्रारंभ हुई। कोलार परियोजना, कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश, नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। सीहोर है, सीहोर में 45087 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल की उपलब्धता, 60887 हेक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता है। माही परियोजना, ये माही नदी पर है, इसका उद्गम धार में है, माही नदी का। इससे लाभान्वित हैं धार और झाबुआ, दो बांध हैं, दो नहर हैं और 18517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी। फिर है सुक्ता परियोजना, ये सुक्ता नदी पर है, इससे खंडवा आपका लाभान्वित होता है, 18583 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है। फिर है सिंध परियोजना, सिंध नदी पर शिवपुरी और ग्वालियर इससे लाभान्वित होते हैं, 35200 हेक्टेयर पर सिंचाई है। फिर है रनगवा परियोजना, केन की सहायक नदी पर है छतरपुर में, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, छतरपुर में 16190 हेक्टेयर सिंचाई होगी इससे। फिर है आपकी चोरल नदी, इस चोरल पर है महू और इंदौर से लाभान्वित होते हैं, 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई 1978 में ये स्वीकृत हुई थी। दजला, देजला, देवड़ा, एक कुंदा नदी पर है, खरगोन इससे लाभान्वित होता है, 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है इसकी। प्रमुख नहरें व क्षेत्र, बैनगंगा, ये बैनगंगा नदी पर है, इससे लाभान्वित जिले हैं बालाघाट महाराष्ट्र का भंडारा जिला। फिर है चंबल नहर, ये चंबल नदी पर है, इससे लाभान्वित हैं भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, ठीक है। फिर हलाली नहर, ये बेतवा नदी पर है, विदिशा, रायसेन से लाभान्वित होते हैं। बारना, ये बारना नदी पर है, होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर इससे लाभान्वित होते हैं। तावा नहर, ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद जिले से लाभान्वित होता है। राजघाट बाई तट की नहर, इससे ऊपरी गुना और दतिया से लाभान्वित होता है। राजघाट दाई तट की नहर, ये टीकमगढ़ होता है, इससे लाभान्वित। दतिया नहर, दतिया व ग्वालियर, ठीक है, इससे लाभान। तो ये था हमारा 7वां चैप्टर, ठीक है। अब 8वें में हम लोग बात करेंगे मृदा के बारे में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी देखेंगे हम लोग, ठीक है।